जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। ए बैठ जाओ। जय प्रहलाद नितय गौर हरि गो हरि गो हरि गो हरि गो नितय गौर हरि गो हरि गो हरि गो हरि बरसे वृंदावन में हरि लाल की। हो गया, छोड़ दो सुन, छोड़ छोड़ दो सुन। ब्रह्म सिंह देव की जय। जय श्री राम, हरे कृष्णा। बोले एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अरे एक बार जोर से बोलो, बोले हरे बोले श्री व्यास भगवान की जय। जय श्री राम। इसलिए कहते घोर कलिजुग आने पर अभी लोग संसार में बड़े दुख कष्ट भोग कर रहे थे, अभी भगवान सोच रहे हैं ये जीव का कल्याण कैसे होगा, जीवों का मंगल कैसे होगा। इसलिए भगवान जीव की कल्याण करने के लिए भगवान स्वयं द्वापर युग के पहला भाग में, द्वापर युग का अंतिम समय में और कलि का प्रारंभ में भगवान स्वयं इसी व्यास देव रूप में जगत में प्रकटित हुए। बोले श्री व्यास भगवान की। बोले इन्होंने क्यों प्रकट हुए, कारण क्या? बोले कारण है, कहते जब तक ये जीव भगवान की शरण में नहीं जाए तब तक जीव को शांति सुख नहीं है। ये संसार में सबके सब जीव दुखी दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, दुखी दुखी संसार। ये संसार दुखमय संसार है। अरे हमारे पिता कौन है? भगवान है। इसलिए भगवान कब खुश रहते, पिता माता कब खुश रहते हैं? जब बच्चे का, बच्चे को खुश देख करके पिता माता खुश रहते हैं। अगर बच्चे अगर दुखी हो कभी पिता माता सुखी हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान ने देखा इनको आनंद कैसे मिलेगा, उनको खुशी कैसे मिलेगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा। मतलब है भगवान से विमुख हो करके जगत में कोई खुशी रह ही नहीं सकते हैं। यहाँ तक भी हैं कहते हैं यहाँ तक बोले नचेंद्र से सुखम नास्ति न सुखम चक्रवर्ती न। ये कौन कह रहे हैं? कहते ये गोकर्ण अपना पिता को कह रहे हैं। बोले पिताजी अगर सोचो चक्रवर्ती राजा बन करके सुखी हो जाएंगे, अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उसको पूछ लो सुखी हो तुम, कितने टेंशन होगा। जोगी को पूछ लो हैं, जो मुख्यमंत्री सुखी हो वो सोचता होगा पता नहीं अगली इलेक्शन में आऊँगा कि नहीं, मेरे क्या होगा नहीं होगा हैं। इसलिए कहते चक्रवर्ती राजा भी सुखी नहीं। अगर कोई सोचे मैं स्वर्ग का इंद्र बनकर सुखी हैं, उसको पूछ लो तुम सुखी हो, पता नहीं कितना बार इंद्र को भी स्वर भरना पड़ गया है, कितना बार कितने अधोगति में इंद्र गए हैं। इसलिए कहते भैया कहीं सुख नहीं है। बोले सुखम मस्ती, कहते सुख है एक व्यक्ति को पास में सुख है। किसको पास में? मुने है एकांत जीवन, जो केवल ठाकुर की चरण में जो शरण में गया है, ठाकुर की शरण में जो केवल आए हैं, कहते वही केवल दुखी सुखी है। क्यों? ठाकुर जी की चरण में बताए अशोक अभय अमृत आधार तुमार चरण दोय। बोले ठाकुर की चरण में क्या है? बोले तीन चीज गई। बोले अशोक जहाँ पर शोक नहीं, अभय जहाँ पर कोई भय नहीं, अमृत जहाँ पर ये अमृत है। क्या ठाकुर की चरण में ही ये तीन चीज केवल ठाकुर जी की चरण में ही है और ये तीन चीज कहीं नहीं। लेकिन अभी प्रश्न है ये जीव ठाकुर की शरण में जाए कैसे? अभी तो पूरा ठाकुर को भूल करके ही माया में मस्त है जीव, संपूर्ण भगवान को भूल गया है, ठाकुर को तो कर दिया पीछे और माया के तरफ में कर दिया मुंह और ठाकुर का पीछे कर दिया, ठाकुर के तरफ में कर दिया पीछे। अभी इसको देख करके माया क्या करती है, डंडा मार रही है। माया
डंडे मार रही है सभी को। बताओ किसको माया डंडा नहीं मार रही है? देखना जो विशेष घर का मालिक उसको तो ज्यादा डंडा ही पड़ता है, बीबी की डंडा पड़ता है, बेटा का डंडा, लड़की की डंडा, पड़ोसी सबका डंडा। अब जितना माया को तरफ में सोचता है जाए उतना डंडा ही डंडा पड़ रहा है जीव को। पर भगवान ने देखा ये डंडे से जीव का काम बनने वाले नहीं, ये डंडे से जीव सुधरने वाला नहीं। इसलिए जब तक ये भगवान की तरफ में मुंह नहीं कर ले तब तक इसका कल्याण नहीं। इसलिए यह चीज को सोच करके श्री व्यास स्वयं जो नारायण है व्यास रूप में आ करके उन्होंने क्या किया, हमारी कल्याण करने के लिए उन्होंने वेद को विभाजन किया, फिर उन्होंने उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, फिर महाभारत, इस सब ग्रंथों को बनाए, लेकिन तब भी शांति नहीं। इसलिए एक दिन श्री नारद जी भगवत इच्छा से श्री नारद जी बिना बजाते बजाते श्री नारद जी आते हैं, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। ताली बजाते कोई ताली नहीं बजा, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे बोल हरे बोल हरे 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 बोल हरे बोल हरे बोल हरे 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 बोल 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 हरे बोल। इसलिए श्री नारद जी हरि नाम करते करते आए, बोले व्यास, व्यास को बोले नारद जी, बोले व्यास जब लगता है तू मन में तुम्हारी शांति नहीं सुख नहीं, बोले गुरु जी अब सही बताए, सही नस को पकड़ लिया है, मैं तो जीव कल्याण के लिए इतने सारे काम कर लिया लेकिन ये मेरे को शांति नहीं मिल रही। देखना संसार में भी हम दो चीज के लिए जिंदगी लगाते हैं, कितना चीज के लिए, दो चीज को पाने के लिए। बता सकते हो दो चीज क्या है, एक दुख जाए और सुख आए, दुख जाए और सुख आए। अभी तो दुख गया, अभी तो सुख आया, आया ही नहीं। हम ये दो चीज के लिए जिंदगी बना देते हैं, बोले इसलिए, लेकिन हमें शांति चाहते हैं शांति। आप बताओ घर में दुख को कौन निमंत्रण देते हो, बताओ हाथ उठाओ कौन दुख को निमंत्रण देते हो, कोई देते हो, कोई नहीं देते। लेकिन बगैर निमंत्रण के दुख आता है कि नहीं, क्यों आता है, तुम तो बुलाया नहीं, आया क्यों, ये दुख क्यों आया, तुम तो बुला नहीं रहे हो। इसलिए यही जीवन है, हैं? इसलिए कहते हैं मैं भी कोशिश किया जीवन में हमें शांति सुख मिले, इसलिए मैंने इतने ग्रंथ रचना की। लेकिन आप तो गुरु हो, गुरु मतलब क्या है, बोले गुकार अंधकार, गु मतलब अंधकार, रु मतलब उजाला, हमारे हृदय की अज्ञान रूपी अंधकार को जो दूर करके उजाला जो प्रकाश करती है, गुरु का काम। बोले आप तो गुरु आप सब जानते हो, बताओ क्यों शांति नहीं मिलता है और शांति मिलेगा कैसे। देखो ये क्या कहते हैं, बोले जथा अधर्म दया सार्था मुनि बर्ज्यानु कीर्तित न तथा वासुदेवस्य महिमा जनु वर्जित। बोले दो शब्द से बता दिया क्यों दुखी सुख क्यों नहीं आ रहे। कहते तुमने जितने धर्म, धर्म मतलब धर्म कर्म करो, जगत का दान पुण्य करो, क्यों करते हैं, घर में पैसा आएगा है, फिर अर्थ मिलेगा, फिर अर्थ से खूब भोग सुख करेंगे, खूब आनंद करेंगे, स्वर्ग जाएंगे, रंभा उर्वशी मेनकाओं के साथ में घूमेंगे, आनंद करेंगे, हैं। तुमने ये सब बात को जितने बढ़ा चढ़ा करके बोल दिया ना, लेकिन जो जीव का जो असली धर्म है जिसमें शांति मिलेगा वो बात तुमने बताया नहीं। क्योंकि जो जीव है ये जीव कौन है, बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव भगवान की संतान, भगवान हमारी पिता हैं, तुमेव माता च पिता, तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा, तुमेव तुमेव हम विद्याम द्रविण, तुमेव तुमेव हम सर्वम।
लेकिन हम कोई भगवान के पिता गए थे, एक अलग पिता हमारी है, अलग माँ बन गई, अलग भैया बन गया, अलग बहनी बन गया। अगर तुम्हें पूछे तुम्हारे पिताजी का नाम क्या, कृष्ण बोलोगे? नहीं बोलेंगे। हैं भाई बोलोगे? भाई अलग भाई बोलोगे, जो तुम्हारी है ही नहीं। हैं ये धर्मशाला का परिचय को देंगे, लेकिन असली परिचय हम नहीं देते हैं। हैं असली परिचय हम नहीं देते हैं, इसलिए संसार में सबके सब ठाकुर जी को भूल करके ये माया में नाता बना दिए। इसलिए तुमने ये बात को जितना तुम बढ़ा चढ़ा करके बताया, लेकिन आत्मा को जो परम शांति है भगवान की भक्ति से, भगवान की प्रेम से, भगवान की पूजा पाठ से जितना शांति मिलेगा, और किसी को द्वारा इतना शांति हमें मिलने, ये बात तुमने बताया नहीं ये बात को, इसलिए तुम दुखी दुखी हो रहे हो। अगर जीवन में तुम सुख बना चाहते हो क्या करो, संतों का संग करो। इसलिए नारद जी अपना चरित्र कहते, इतने बड़े संत में बना तो बना कैसे, जगत में जहाँ जाओ मेरी पूजा होती है, स्वर्ग में जाओ पूजा, वैकुंठ में जाओ पूजा, वृंदावन गोलोक वृंदावन में जाओ पूजा, मरते जगत में जाओ सब मेरे को गुरु गुरु गुरु, सारा जहाँ जाते ना मेरे को गुरु कहते हैं, जगत गुरु। राक्षस दत्त्यों के पास में जाएगा ना, राक्षसों के पास भैया गुरु जी आ गए, भैया सारा दुनिया मेरे को गुरु जी क्यों कहते हैं, सारा दुनिया में मेरी पूजा क्यों हो रही है। तब उन्होंने अपना कथा सुनाया, देखो कभी हमारे गांव में संत आए, मेरी मैया संतों की सेवा की, मैं भी माँ को साथ में जाकर संत सेवा की, संत जो सुंदर सुंदर कथा सुनाते थे वो कथा को सुन सुन करके मेरे रोम रोम में भगवान बैठ गए। मेरा भी कहते ना, जैसे संग करोगे रंग भी वैसे चढ़ेगा, चोर का संग कर तो चोर बनोगे, गंजड़ी का संग तो गंजड़ी, भंगड़ी का संग तो भंगड़ी, और संतों का संग कर तो संत बन जाओगे। इसलिए इनकी संग करते 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 मेरे ऊपर में भी ये रंग चढ़ गया, और देखो एक दिन मेरे के संतों ने मंत्र प्रदान की, और मैंने मंत्र जप करते 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 एक दिन हमें साक्षात भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, इसलिए ठाकुर का दर्शन मिल गया। बस सर्वत्र बिना बजा बजा करके, जैसे ये मन जितने तेजी से गति करता है, अगर यहाँ बैठे बैठे करके अमेरिका को चिंता करो ना, ये मन जितने जल्दी अमेरिका में पहुँचा, मैं शरीर भी उतना जल्दी गति करता है, जहाँ चाहता हूँ वहाँ मैं भ्रमण करता रहता हूँ, हे ठाकुर का नाम लेकर मत रहता हूँ, दुनिया की कोई चिंता नहीं, प्रभु का भजन है। इसलिए मैंने अपना चरित्र सुनाया, केवल संत सेवा से ठाकुर की भक्ति से जीव को जितने शांति मिलेगा, और किसी उपाय में जीवन को शांति पाने का कोई उपाय नहीं। अगर तुम भी जीवन में शांति पाना चाहते हो क्या करो, ये भागवत ग्रंथ रचना करो, जिसमें भगवान की सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी मधुर मधुर मीठी मीठी कथाओं को वर्णना करो, कैसे भगवान होकर के जन्म में ब्रज में भगवान जन्म लेते हैं, और ब्रज वो अजन्मा है, कृष्ण अजन्मा है, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम् अजो अपि, मैं अजन्मा हूँ लेकिन अजन्मा होते हुए भी मैं जन्म लेता हूँ, जन्म लिए तभी तो कहते ना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अजन्मा होते हुए भी जन्म लिए। और ब्रजवासियों ने क्या भजन गाए, बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, तिली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो नंद लाला, तिली तेरी पगड़ी रंग काला, आ गोकुल में आयो नंद लाला, गोकुल में आयो नंद लाला, मेरो गोपाला मेरो गो, गोपियों से फैल गया गोपाला, गोपियों से फैल गया, जियो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, दिली तेरी पगड़ी। बोले नंद के लाला की, ठाकुर जो मीठी मीठी मधुर मधुर लीला की खूब जी भर करके सुनो, आनंद आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, किसको आ रहे हैं, हाथ का सबका आ रहे हैं, लेकिन कब तक ये आनंद रहेगा, जब तक यहाँ कथा सुनोगे। देखो यही चीज है ना, वो यही चीज बताना चाहते हैं, जितने समय तुम भगवान की भजन कथा करोगे, प्रभु का नाम लोग उतना समय आनंद है, हैं? लेकिन जब प्रभु का भजन छोड़ दोगे फिर निरानंद, वही संसार की झामला झगड़ा झूठ, फिर वही संसार का दुख कष्ट है। लेकिन जब तक कथा में बैठे हो ना, ठाकुर की गोद में बैठे हो, कथा में नहीं ठाकुर की
गोद में बैठे हो, अगर 24 घंटा भजन करेंगे 24 घंटा आनंद ही आनंद है, ठाकुर की आनंद ही आनंद है। इसलिए बोले दिल खोल करके भगवान की जस का गाओ, इसी में ही शांति और इसी में ही सुख मिलेगा। इसलिए व्यास देव ने कहते भक्ति जोगे न सम्यक प्रणहिता मले अपस्यम पुरुषम पूर्णं मायांच तत् अपाश्रयम्। जब उन्होंने दिव्य दृष्टि से उन्होंने गोलोक वृंदावन देखा और कैसे राधा कृष्ण कैसे कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हुए, सखियां कैसे चारों तरफ में बेष्टित है, कृष्ण कैसे गोचारण कर रहे हैं, मैया कैसे मखन दधि मंथन कर रही हैं और मुंह में गोविंद दामो धर्माधवे गोविंद दामो धर्माधवे गोविंद दामो धर्माधवे गोविंद दामो धर्म। मैंने कैसे प्रभु रास कर रहे हैं, कैसे गिरिराज धारण कर रहे हैं, कभी ब्रज में आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया, हो होरी रे रसिया, हो होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी है। मैंने देखा खूब होली मच रहा है, कब गिरिराज बाबा की, नंद के लाला की। उन्होंने देखा प्रभु कैसे सुंदर सुंदर लीला करते हैं और भागवत में उन्होंने सारे ग्रंथ को उन्होंने भागवत में उन्होंने सुंदर भाव में रचना किया और रचना किया तो उन्होंने भागवत ग्रंथ गीता ग्रंथ को प्रकाशित किया। तभी तो पढ़ करके हमको पता चल रहा है ना भगवान कोई है, भक्ति करनी चाहिए, भक्ति में ही आनंद है, भक्ति में ही रास है। अगर व्यास देव नहीं होते तो हम जो यहाँ बैठे हैं तिलक लगाए कंठ धारण किया भजन कर रहे हैं ये भी हमारा होता है। किसकी कृपा? श्री व्यास देव की कृपा है। इनकी कृपा से ही आज थोड़ी बहुत भजन करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए व्यास देव का चरण में हम ऋणी हैं। इसलिए विशेष करके भागवत में उन्होंने क्या रचना की, कृष्ण कथा तो रचना की और भागवत में उन्होंने विशेष बात बताई क्या है, बोले कली युग के बलना माधारा, कली युग के बलना माधारा, सुमेरे नारुपारा, कली युग के बलना माधारा। इसलिए जब उन्होंने भागवत प्रारंभ किया उन्होंने पहले नाम की महिमा उन्होंने बताई है, क्या बताए, बोले अगर जीवन में कोई सुख शांति पाना चाहते हैं, बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम अकुत भयम जोगिनाम निर्पनिर्नित हरे नामानुकीर्तन। कहते अगर जीवन में कोई सुख और शांति चाहते हो और बड़े बड़े जितने ऋषि मुनि जितने वेद पुराण उपनिषद सबके सब एक ही बात बताए हैं, हरे नामानुकीर्तनम, हरि की नाम कीर्तन को द्वारा ही तुमको शांति मिलेगा और किसी को द्वारा जीवन में शांति नहीं मिलेगी, प्रभु का नाम से ही शांति मिलेगा। जब भागवत को उन्होंने विश्राम की पर अंतिम समय में उपसंहार में क्या कहते हैं, बोले नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम स्तम नमामि हरि परम। इसलिए हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही जीव का परम मंगल जीव का कल्याण केवल श्री हरिनाम कीर्तन से होगा और किसी को द्वारा नहीं होगा, पाप दूर होगी, जीवन में आनंद मिलेगा। इन्होंने भागवत में उन्होंने एकदम पक्के करके बताए हरिनाम से ही कल्याण होने वाले और किसी को द्वारा कल्याण नहीं होने वाले नहीं। इसलिए हम लोग उन्होंने ये बात बताए इसलिए आज हम लोग हरिनाम करते हैं। अब देखो विशेष करके गुरु जी हमें तीन चीज दिया है, कितना चीज दिया हमें, तीन चीज को अगर पक्की कर दोगे ना सीधा भगवान के पास में जाओगे। संत लोग उदाहरण देते हैं, जैसे तुम विदेश जाना चाहते हो अमेरिका लंदन फ्रांस जर्मनी, हमारे पास में कितना चीज होनी चाहिए, तीन चीज ध्यान देकर सुनो, तीन चीज क्या है, पहला नंबर पासपोर्ट, दूसरा नंबर वीजा और तीसरा नंबर टिकट। अगर होगा ना फिर हम इसी जगत में साधारण जगत से
दूसरे जगत में, दूसरे देश को जा सकते हैं। जब साधारण जगत में ये नियम है, ये तीन चीज अगर तुम दूसरे देश को नहीं जा सकते हो, अगर तुम भगवान के धाम को जाना चाहते हो, गोलोक वृंदावन जाना चाहते हो, फिर कैसे हो जाएगा? इसलिए तीन चीज को पक्की रख दो। पहले पासपोर्ट, पासपोर्ट मतलब गले में तुलसी की कंठी। देखो गुरुजी क्या कहते थे, पहले एक बार जब हम गुरुजी की हाथ से गले से कंठी लिया है, अगर किसी कारण से गले का कंठी टूट गया तो गुरुजी कहते थे जब दोबारा इसको नहीं पहन लो, पानी भी नहीं पीना। गुरुदेव मना करते थे, क्यों? जब हम पानी पीते हैं, जब गले में कंठी उसको स्पर्श करते हुए जाता है पवित्र होकर के, जब कोई हम बोली बोलते हैं वो बोली भी शुद्ध बन करके निकलता है, क्यों? गले में तुलसी की कंठी है। और जब महाराज क्या कहते हैं, जिनकी गले में तुलसी कंठी नहीं उनको ही पकड़ पकड़ करके नरक में ले आना, उनको ही घिसड़ते घिसड़ते नरक ले आना है। इसलिए पहला नंबर क्या हो गया, पासपोर्ट। दूसरा नंबर वीजा। वीजा मतलब होता है तिलक, जरूर तिलक होनी चाहिए है। जैसे कि सधवा स्त्री अपना मांग भरती है, सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है, बेसर पहनती है, कहते उसी तरह जो भगवान के भक्त होते जरूर ये तिलक को, जरूर ये तिलक धारण करते हैं। इसलिए बोले तिलक सेवन ना करे जे जन जमा लय बासतार। जो तिलक धारण नहीं करते उसको जमपुरी में निवास होता है। और ये ललाट को बताइए, ये शमशान सदृश, जिसकी ललाट में तिलक नहीं। इसलिए कोई एक स्टूडेंट बगैर तिलक के क्लास में आ गया, महाप्रभु जब टीचर थे महाप्रभु निकाल दिया उनको क्लास से, बोले तिलक लगा कर नहीं आया, गुरु मंत्र तुमने जब नहीं, जब बाहर निकलो तिलक लगा करके तब आना। मतलब अगर तिलक नहीं लगाएंगे ना, ठाकुर हमें रिजेक्ट कर देंगे, ठाकुर हमें निकाल देंगे, बोले तू हमारी नहीं हो। और हमारे भारतीय लोग क्या करते हैं, जब कोई अच्छे काम जाते हो तिलक लगा कर भेजते, बेटा जा तेरे काम बन जाए हैं। जब तक पुजारी तब तक पूजा नहीं करेगा जब तक तिलक नहीं लगाएगा। इसलिए तिलक ये गोपियों का चरण धूलि, ये कोई मिट्टी नहीं है, ये कहाँ से आता है, ये आता है द्वारका से। भगवान जब नारद जी ये ब्रज रज को लेकर के द्वारका में गए, जब उनको अभिषेक कराया गया, वहीं से ये तिलक आता है। ये ब्रज रज है जिसको उद्धव नारद आदि जिसकी कामना करते हैं। इसलिए दो चीज, और तीसरा चीज टिकट। टिकट क्या है, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बस ये हो गया टिकट। अगर भगवान का नाम अगर तुम्हारे पास में ना, बस तुमको कोई रोक नहीं सकते वृंदावन धाम में जाने के लिए, ठीक है ना। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करते हैं, जो ठाकुर जी की नाम जप करते हैं, उसको साथ साथ में तीन काम हो जाता है। कितना काम हो जाता है, क्या क्या बोलो, अभी मैं बताऊंगा, बाद में तुमसे सुनूंगा, ध्यान देकर सुनो। कहते जमपुरी में यम महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं। चित्रगुप्त कौन है, सारे समस्त कर्म को जो लेखा जोखा करने वाले हैं, ये चित्रगुप्त को बुलाते हैं। बोले चित्रगुप्त रजिस्टर ले आ। बोले क्यों, बोले इनका नाम को यहाँ से काट दो, इसका नाम को यहाँ काट दो। बोले क्यों, बोले ठाकुर का नाम जब कर रहा है ना, अभी ये नरक नहीं आएगा, ये कभी नरक नहीं आएगा। बोले गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को कहते, बोले रजिस्टर ले आ। बोले क्यों, बोले इसका नाम को चढ़ा दो, लिखा दो, इसका नाम को यहाँ लिख दो। बोले क्यों, बोले ठाकुर का नाम जब कर रहा है ना, ये अभी सीधा गोलोक वृंदावन में राधा रानी की सखी बन करके जाएगा। बोले श्रीमती राधा रानी की। बोले तीसरा काम क्या है, बोले ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी आरती की थाला लेकर के सजाना शुरू कर देते। बोले क्यों, बोले ठाकुर का नाम कर रहा है ना, जब गोलोक वृंदावन जाएगा उसको मैं आरती उतारूंगा। इसलिए कृष्ण कहते अर्जुन, जनय पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठति भारत। देखो ध्यान देकर सुनो, कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं, बोले कौन मेरे नाम को ले सकता है, मेरे नाम को कौन ग्रहण कर सकता है। कृष्ण कहते सभी नहीं कर सकते। बोले जनय पूर्व सत जन्मम, जिसने पूर्व जन्म में 100 जन्म तक जिसने निष्कपट रूप में मेरी सेवा पूजा की है, वही व्यक्ति इसी जीवन में मेरे नाम को ले सकता है।
देखना कुछ कुछ लोग होते हैं ना, बैठ करके दिन भर गप्पे मारेंगे, दिन भर बैठ कर टीवी देखते रहेंगे, स्मार्टफोन में तो पता नहीं कितने कितने घंटा चल जाती हैं। अगर कुछ माताएं अगर इकट्ठे हो जाए ना, बस हो गया समय। हाँ, उसकी छोरा ने इसे की, उसको छोरी ने इसे की, उसको सास बोल की घर में लड़ाई हो रही है। बाबा इतने मीठा, इससे मीठा दुनिया में कुछ नहीं। इतना घंटा घंटा बीत जाते, अरे बोलो थोड़ा हरिनाम करो, बोले गए। समय कहाँ भजन के लिए, समय कहाँ हमारे पास में भजन के लिए। इसलिए कहता है भैया, पापी को मुंह से प्रभु का नाम नहीं निकलता है। इसलिए जो करोड़ों करोड़ जन्म को जो पुण्य किया है, उसकी मुंह से ही प्रभु का नाम निकलेगा। नहीं तो पापी लोग प्रभु का नाम नहीं कर सकते, पुण्यात्मा कर सकते। इसलिए आप लोग बड़े भाग्यवान हो जो कि हरिनाम को लेकर के हरिनाम कर रहे हो। इसलिए गुरु जी कहा करते थे, देखो मेरे तरफ में देखो, गुरु जी कहते थे जब गुरुदेव हमें ये माला दिए हैं, ये माला नहीं दिया गुरुदेव, ये ठाकुर का साक्षात हमें दिया है। क्योंकि हरि से बड़ा हरि का, हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए गुरु जी हमें हरि नाम नहीं दिया, साक्षात भगवान कृष्ण को पकड़ा दिया। गुरुदेव कहते थे अगर तुमने एक दिन ही माला जप नहीं की, क्योंकि साक्षात भगवान कलयुग में अपना नाम रूप में ठाकुर जी आए, अगर एक दिन तुमने माला जप नहीं किया ना, आज ठाकुर जी दिन भर भूखे रह गए। स्नान नहीं किया, कपड़ा नहीं बदलाया, ठाकुर जी दिन भर भूखे पड़ गए। इसलिए गुरु जी कहते थे कभी भी माला को भूखे मत रखना। हमारे जो बड़े गुरु जी भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, ये दिन में 2-2 लाख हरिनाम करते थे। भोजन करने सवेरे नाश्ता से पहले हैं 8:30-9 बजे नाश्ता लेते थे, उसको पहले तो 1 लाख पूरी माला करते थे, 64 माला करते थे, फिर उसको बाद में दिन भर माला करते, दिन में 2 लाख हरिनाम करते थे गुरुदेव। देखो सारा दुनिया में गुरुजी हो रहा है ना, सारा दुनिया में क्यों गुरुजी की शरण में आए, क्यों गुरुजी ठाकुर का नाम को निष्ठापूर्वक किए। अगर आप भी ठाकुर का नाम को निष्ठापूर्वक करोगे ना, सारा दुनिया में तुम्हारी पूजा होगी। आप बताओ हनुमान दिन भर करते हैं क्या, बोले रघुपति राघव राजा राम पति तो पाप, यही तो करते हैं ना हनुमान जी, राम की सेवा करते हैं, राम के नाम लेते हैं। शंकर जी दिन भर करते हैं क्या, गोस्वामी जी कहते हैं पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी महामंत्र जयी जपत महेशा। शंकर जी पंचमुख में प्रभु का नाम ही जप करते हैं। देखो सारा दुनिया में शंकर जी की पूजा हो रही है। मैया देवी करती हैं क्या, उनको 8 हाथ में देखना, 1 हाथ में माला है, 1 हाथ में माला है इनकी। कहते श्री गणेश जी दिन भर क्या करते हैं, महिमा जासु जान गणराऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, ये केवल नाम की प्रभाव से दुनिया से पूजा होते हैं। ब्रह्मा जी का 4 हाथ में एक माला, सरस्वती की 4 हाथ में एक माला, सबके हाथ में माला है। इसलिए कहते हैं ना कृष्ण नाम की माला। बाबा इसे पंडित वंश सब जानते सब, इसलिए बोले कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई देवी वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, 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 कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल। बोले हरि नाम संकीर्तन की। इसलिए हम व्यास देव का चरण में इतने ऋणी हैं, उन्होंने हरिनाम संकीर्तन की विशेष भागवत में भर भर करके ठोस ठोस करके उन्होंने हरिनाम की महिमा उन्होंने भागवत में वर्णना किया। इसलिए हम आज सबके सब एकत्रित होकर के ये व्यास देव की हम पूजा कर रहे हैं। क्यों, ये नहीं होते तो हम भजन नहीं कर सकते थे और भगवान की धाम को नहीं जा सकते थे, ठाकुर की चरण की सेवा हमें मिलती नहीं, इसलिए आज हम पूजा कर रहे हैं। ठीक है, जीत प्रभु जी, जीत महाराज है कि नहीं, जीत उनको बुला दो, अरे उसको बुलाओ, हरे कृष्णा। इसलिए आज हम सबके सब श्री क्या कर रहे हैं, भगवान की, हाँ श्री व्यास देव जी की ऋणी बन करके आज हम आज सबके सब एकत्रित हुए। हाँ देखो यहाँ प्रश्न होता है, भैया आज तो व्यास देव की पूजा है, फिर हम आज गुरु जी की पूजा, देखो यहाँ पर लाइन करके सब गुरु जी बैठे ना, देखो यहाँ पर सारे गुरु जी, हम लाइन करके गुरु जी की पूजा कर रहे हैं, फिर इनकी क्यों पूजा कर रहे हैं, आज तो व्यास देव का पूजा है, हैं। कहते व्यास मतलब क्या है, मतलब व्यास मतलब विस्तार करना, जिन्होंने समस्त ग्रंथों को विस्तार किया।
कहते उसी परंपरा में जितने हमारी गुरु वर्ग देख रहे हो, दिखाओ उनको, इसलिए जितने यहाँ ये जितना सारे हमारे ये गुरु वर्ग बैठे हुए सब क्या किया है, उसी परंपरा में आकर के जगत में भगवान की कथा को दिन रात उन्होंने भगवान की कथाओं को प्रचार किया, इसलिए इनको भी व्यास कहते, क्यों, भगवान कथा को इन्होंने भी विस्तार किया, इसलिए आज इसलिए हम श्री समस्त गुरु परंपरा को पूजा करते हैं, क्योंकि जो कथा आई है ये व्यास परंपरा में गुरु जी उनको दिया अभी तक ये हमारे पास में पहुँचे, इसलिए आज हम सबको इनको लाइन करके पूजा कर रहे हैं। अभी हमारे बीच में श्री जीत प्रभु जी आए हैं, अभी प्रभु जी कुछ सुंदर सुंदर आप कथा सुनाएंगे व्यास पूजा के बारे में। देखो और एक बात है, देखो हम लोगों को कष्ट होता हो रहा है कि बहुत गर्मी में बैठे हम लोग, बहुत गर्मी में बैठे हो, लेकिन देखो हम बहुत कष्ट से हम जिंदगी भर भगवान की कथा करते हुए थोड़ी बहुत मेरे को जो पैसा मिला है, बड़ी कष्ट से जो कुछ मिला था हमने कोशिश किया यहाँ पर एक मंदिर बने और यहाँ के भक्त लोग को भी थोड़ी बहुत कोई मदद किया, तभी ये जगह को हम लोगों ने लिया है, ये जगह को लिया तभी तो यहाँ बैठ कर कथा कर रहे हैं, अगर जगह को नहीं लेते क्या कथा होती यहाँ पर, पता नहीं हम फिर कहाँ कथा करते। लेकिन ये जो गुरु जी का जो आश्रम होता है ना, जैसे लड़की का पीहर, लड़की का ये पीहर, ए क्या चुपचाप बैठ गया, कहते ये लड़की का ये पीहर है, जैसे लड़की जब चाहती है अपना पीहर चली जाती कि नहीं, बाप को पूछने का जरूरत है नहीं, इसलिए गुरु जी का घर मतलब अपना अपना पीहर है, हैं, इसके इसका नाम आश्रम, आश्रम मतलब किया जहाँ पर हमें आश्रय मिले, इसलिए इसको आश्रम कहते हैं। इसलिए हमने कोशिश किया जैसे एक स्थान हो जाए जहाँ पर बैठ करके हरि चर्चा हरि कीर्तन हो, इसलिए हमने कोशिश किया उसको लेने के लिए, लेकिन एक चीज़ और भी बाकी रह गया, अभी ये पूरा नहीं बन पाया क्योंकि तोड़ फोड़ करके हमारे जीत प्रभु ने कोशिश किया किसी तरह से लोग आकर बैठे कथा सुने, अब तो देख रहे हो कष्ट हो रहे, बाहर लोग कुछ खड़े हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी आप लोगों को मदद देना करना पड़ेगा, हैं, जब हम कोशिश चाहते हैं यहाँ पर एक भगवान की सुंदर मंदिर बन जाए, सुंदर मंदिर जहाँ पर ठाकुर विराजमान हो, जहाँ पर आप लोग आकर के यहाँ पर अच्छे तरह से बैठ करके भगवान की कथा सुन सके, इसलिए हम इसी चेष्टा में हैं। इसलिए कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, उद्धव अगर कहीं हम मेरी मंदिर बनता है उसमें एक ईंट अगर कोई दे दे उसके लिए मैं गोलोक वृंदावन में उसके लिए राजमहल में बना देता हूँ भगवान कहते हैं। इसलिए इतना महिमा भगवान की मंदिर की सेवा करने का, अगर आप लोग और एक कदम मुझे लगता है अगर आगे बढ़ोगे मुझे लगता है इतने सारे भक्त लोग हैं, लेकिन देखना आप सभी का एक ही घर है कि नहीं, सबका घर है, अगर आप लोग थोड़ी थोड़ी मदद कर जाओगे ना फिर तो ये सबका घर बन जाएंगे। आप ना घर के लिए कितना लोग कोशिश करते हैं, अगर थोड़ी थोड़ी अगर आप थोड़ी सी एक कदम आगे बढ़ाओगे ना मुझे लगता है मंदिर बनने में कोई कष्ट नहीं होगा। इसलिए आप लोग कोशिश करना तन मन और धन से, जैसे आप लोग अगर कुछ कुछ दोगे यहाँ पर जैसे मंदिर बन जाए, आप लोग कुछ कुछ दोगे जैसे कुछ कोई सीमेंट दे दे, कोई कुछ ईंट दे दे, कोई कुछ सरिया दे दे, कोई कुछ हैं कुछ चीज़ दे दे, अगर थोड़ी बहुत चीज़ दे दोगे ना फिर मैं भी कोशिश करूँगा कुछ देने के लिए, ठीक है, फिर यहाँ लगता है जल्दी से जल्दी यहाँ मंदिर बन सकते हैं। हम लोग मदद करोगे, हम ये नहीं बोलेंगे एकदम घर बार बेच कर, नहीं, तुम्हारी जितने सामर्थ्य है, अपना सामर्थ्य से बाहर नहीं, जितना तुम्हारी सामर्थ्य है कुछ सीमेंट ईट अगर दे दोगे, इतने कितने भक्त लोग आए हैं, कितने भक्त लोग आए हैं, फिर ये मंदिर बनने में कोई देर नहीं होगा, ठीक है ना। वहाँ पर एक हमारे डॉक्टर बैठे हुए, उनको बुला तो खुरणा प्रभु जी खुरणापुर का जो डॉक्टर लाए, डॉक्टर को बुलाते, इधर डॉक्टर प्रभु जी है, इधर, हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, डॉक्टर प्रभु जी इधर आ जाओ, प्रभु जी कहाँ है, थोड़ा बुला दो, आए कि नहीं, हाँ प्रभु इधर आ जाओ, हरे कृष्णा, प्रभु जी हम यहाँ पर, प्रभु जी हम चाह रहे हैं, अब खड़े हो जाओ प्रभु जी, अब खड़े रहो प्रभु जी, हम यहाँ चाह रहे हैं हमारे जीवन में हमारे को जो थोड़ी बहुत जो पैसा मिला कोशिश किया जैसे जगह खरीदी करें, लेकिन देखो भक्त लोगों को बैठने में दिक्कत होता है, हम चाहते हैं यहाँ पर
छोटी सी एक मंदिर कहीं बन जाए जिसमें भक्त लोग बैठ कर अच्छे तरह से कीर्तन कथा हो सके, हम कोशिश कर रहे हैं प्रभु जी। हैं, इसलिए भगवान कहते हैं अगर मेरे मंदिर के लिए कोई एक ईंट दे देना, कहते उसके लिए मैं गोलोक वृंदावन में महल बना देता हूँ। इसलिए हम चाहते अगर सब भक्त लोग कुछ कुछ दे दे, यहाँ जल्दी से जल्दी यहाँ पर एक सुंदर मंदिर बन जाए जिसमें ठाकुर बैठे और जहाँ पर भगवान की कथा और कीर्तन अच्छे तरह से हो। और कितने लोग का मन बदलेगा, कितने लोगों का जीवन इसमें कल्याण होगा। इसलिए प्रभु अगर आप कुछ थोड़ी बहुत अगर मदद करेंगे, फिर हम लोग कोशिश करेंगे जैसे ये आगे बढ़ने के लिए मंदिर को आगे। ये प्रभु जी ये किसके डॉक्टर प्रभु जी? दिमाग के, जिसका दिमाग ठीक नहीं है, ये दिमाग के बहुत बड़े डॉक्टर, मतलब था भारत में द्वितीय ना तृतीय नंबर इनकी है। ये प्रभु जी की, इनके पूरा पृथ्वी में ये इतने बड़े डॉक्टर प्रभु जी हैं। ये बड़े दयालु, इनका हृदय बहुत बड़ा है, इसलिए सेवा के लिए जब कोई ज़रूरत होता है ना, प्रभु जी बहुत सेवा करते हैं, मदद करते हैं। इसलिए अगर ये प्रभु अगर थोड़ा बहुत मदद करे तो मुझे लगता है मंदिर बनने में कोई देर नहीं होगा। इसलिए प्रभु जी के नाम पर जोरदार ताली बजाएं। इसलिए और आप लोग भी, इसलिए आप लोग भी सबके सब कोशिश करना कुछ कुछ देने के लिए, जैसे ये जल्दी से जल्दी ये मंदिर जैसे बन सके। दिखता भी नहीं, श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैतगदाधर शिव शरि गौर भक्त बृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पर पिचलीला प्रभुष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शैल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहंत की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ और उनकी भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। और जो भगवान के सत्तर वे अवतार है श्री कृष्ण द्वापर वेद व्यास जी, जिनका आज शुभ आविर्भाव दिवस है, जिनके नाम से गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, उनके भी चरण कमलों का आश्रय लेता हूँ। और हमारे सनातन गोस्वामी है जो की छह गोस्वामी है, आज उनका त्रिभाव दिवस है। आज के दिन वो जगत को छोड़कर भगवान की लीला में राधा जी की सेवा में वो प्रवेश किए हैं, उनका भी चरण को आश्रय लेता हूँ। और उसके बाद पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और महाराज जी की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद जितने भी वैष्णव लोग आए, वैष्णवी माताएं प्रभु दीदी लोग सभी के चरणों में यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हम लोगों ने ये गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया था कि कोरोना का टाइम है, परमिशन भी नहीं मिल रही थी, बहुत 50 लोगों की मुश्किल से वो भी बोले परमिशन नहीं मिलेगी ऐसे कर सकते हो। तो इसको हमने कई भागों में बांटा, फरीदाबाद में 2 जगह किया, फिर गढ़ी में किया, बड़ौत में किया और फिर नोएडा में किया कि कई भागों में बढ़ जाए और ठीक से आयोजन हो जाए। परंतु भगवान की जैसी इच्छा, अभी काफी भक्त लोग भी आए, बाहर भी रोड पे भी खड़े है और इधर भी गैलरी में ऊपर में सब जगह ही है, लेकिन सब जगह तो ये जगह फेल कर दिया है। इतना यहाँ भक्त लोग आए, इतना भक्त कहीं नहीं है। ज्यादा बहुत लोग कष्ट में मैं देख रहा हूँ, कोई लोग 3 बजे से आगे, कोई 4 बजे से आगे, और अभी भी काफी बहुत गर्मी भी है, पसीना भी ज्यादा निकल रहा है। तो मेरी यही कुछ गुरुजी के विषय में एक शब्द में बोल देता हूँ, पुष्पांजलि दे देता हूँ। देखो वास्तव में व्यास पूजा क्या है, महाराज जी ने तो बड़ा सुंदर बताया। गुरु जी के चरणों में हम क्या दे सकते हैं,
कोई तो पत्र देता है, कोई तुलसी दल देता है, कोई माला पहनाता है ना। वास्तव में गुरु पूर्णिमा क्या होती है? गुरु जी के चरणों में अपने को समर्पण करना ही गुरु पूजा है। पर वो एक दिन में होता नहीं है, तो पहले तन देना पड़ता है, फिर मन देना पड़ता है, फिर धन, फिर सब कुछ देना पड़ता है। तो एक दिन में होगा नहीं, चिंता की बात नहीं है। परंतु जब पता लगता है गुरुदेव हमें क्या वस्तु देना चाह रहे, वो प्रेम, वो लोग भगवान का जो प्रेम है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, जैसे आप समझ लो दुर्योधन है, दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास गए। तो दोनों पास में गए तो दुर्योधन ने मांगा कि भगवान वो जाके पहले सर के पास बैठ गए, अर्जुन बाद में आ गए, वो कहाँ बैठे, चरणों पर बैठे। तो दुर्योधन ने क्या किया, वो जानते थे कि किसने गए हैं, सबने बोला था जाओ भगवान का आशीर्वाद लेके आओ। तो वो गए, भगवान ने कहा बताए माँ ऐसा युद्ध होने वाला है, प्रभु आप बताओ कैसे करना है, आपकी सहायता की हमें जरूरत है। तो भगवान समझ गए चतुर भगवान बहुत है, भगवान की दृष्टि पड़ी तो सामने अर्जुन के, बोले अर्जुन कैसे आयो। तो दुर्योधन बोला प्रभु पहले मैं आया हूँ। तो वो पहले कहाँ बैठे, पहले भगवान के सर पे बैठ गए। इसलिए गुरु पूजा का नियम है तद विधि पढ़ी पाते परी प्रश्न से दिया, पहले गुरुदेव को प्रणाम करो, फिर उनके चरणों में बैठो, फिर उनकी सेवा करो, तब तो जाके कुछ पूछना चाहिए। पर हम लोग क्या है, ना तो सेवा करते हैं, ना हम उनकी शरण में पूरा जाते हैं, बस गुरुदेव मेरा ये ठीक कर दो, मेरा ये ठीक कर दो। तो ये एक तो विधि नहीं है, पर फिर भी कोई बात नहीं। तो दुर्योधन आए और दुर्योधन ने क्या किया, वो भगवान बड़े चतुर थे, भगवान तो चतुर शिरोमणि है, भगवान सब घट घट वासी है जानते हैं। तो उन्होंने कहा देखो मैं युद्ध तो लड़ूंगा नहीं, मेरी 18 अक्षौणी सेना तुम दोनों बांट लो, जो एक 11 अक्षौणी सेना रहेगी और एक तरफ क्या रहेगी 7 अक्षौणी सेना रहेगी, जो 11 लेगा और जो 7 लेगा उसकी तरफ से मैं रहूंगा और मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो दुर्योधन ने भी अपनी चतुराई दिखाई, वो तो बोलने लगे प्रभु क्या करें, आप अर्जुन ही है, पहले आए थे तो अर्जुन से ही मांग लो, तो मुझे भगवान को मांग लेंगे, तो मैं भगवान को मांग के क्या करूंगा, मैं इनकी सेना मांग लेता हूँ। तो उन्होंने कहा अगर मैं मांगू तो अच्छा नहीं रहेगा, अर्जुन से पूछ लो। तो अर्जुन ने कहा प्रभु मेरे को कौन चाहिए, मेरे को आप चाहिए और मेरे को कुछ भी जगत में नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा अगर हम लोग मानो, डॉक्टर साहब ने मठ की सेवा के 40,000 रूपए दिए हैं। उन्होंने क्या मांगा, भगवान की सेना मांग ली, बोले हम लड़ेंगे तो भी भगवान को क्या करेंगे। पर अर्जुन कहते प्रभु मेरे को आप चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, अगर आप हमारे साथ हैं हम सब कुछ है। तो दुर्योधन सोच रहे थे मैंने भगवान को ठग लिया, परंतु अर्जुन ने क्या मांगा, भगवान कृष्ण, अगर कृष्ण आपने मांग लिए, कृष्ण आपने मांग लिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान है और सारा जगत उनका है, अगर भगवान मान लिए तो सारा जगत आपका हो गया, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो गुरुदेव क्या देना चाहते हैं आपको, सारा जगत गुरुदेव आपको देना चाह रहे हैं, सारा जगत उन, और क्या देना, भगवान का प्रेम देना चाह रहे हैं भगवान गुरुदेव, और उस प्रेम के वशीभूत भगवान हो जाएंगे। जैसे बताया नंद बाबा यशोदा मैया कन्हैया को उठा देते हैं, है? उनकी गोपियां छाछ में कन्हैया को नचा देती है। इसलिए हमें गुरु जी की शरण में जाके क्या मांगना चाहिए, कोई वस्तु नहीं मांगनी चाहिए, क्या मांगना है गुरुदेव आप हमको अपना लीजिए और हमको आप भगवान का प्रेम दे दीजिए। ये ही व्यास जी का मूल, जो वेद व्यास जी जितने वेद लिखा, पुराण लिखा, अपनी सत लिखे और श्रीमद भागवत लिखी, उसका भी सार है भगवान का प्रेम। तस्मात गुरु प्रकटे जिज्ञासु श्रेय उत्तम, गुरु की शरण में जाना चाहिए परम मंगल के लिए, श्रेय के लिए। वो परम श्रेय क्या है, भगवान का प्रेम है। तो हम लोग उसी की शरण में आए हैं और आज सनातन गोस्वामी की तिथि है, वो भी वेद व्यास जी के अवतार है। और वो भी क्या है, गुरु जी कहते थे वेद व्यास जी सत्तर वेद अवतार है, पर सनातन गोस्वामी राधा जी के बीच जन है, लगन मंजरी है, वो उनसे भी कहीं बढ़कर श्रेष्ठ है। तो उनकी बड़ी कथा है, पर अभी कथा को ज्यादा नहीं बताएंगे, पर एक चरणों में प्रार्थना सबके। गुरुदेव का जो संत वार्षिक प्रोग्राम हुआ था उसमें एक पत्रिका निकली थी गुरु वंदना,
उसमें गुरु तत्व की बड़ी सुंदर व्याख्या है। व्यास पूजा कैसे मनाते हैं, सेवकों के लक्षण क्या है, गुरुदेव क्या है, सेवक क्या है, हमारे गुरुदेव की महिमा है। तो मेरी प्रार्थना है सबको आज एक एक पत्रिका जरूर लेके जाना। पत्रिका बाहर है गेट पर है और उसकी फीस ज्यादा नहीं है, 100 रूपए फीस है। तो आज गुरु पूर्णिमा है, अभी ज्यादा कथा बोल नहीं पाए, आप लोग सुनना, उसको पढ़ के देखना। गुरु जी का विचार, भक्ति विनोद ठाकुर जी का विचार, रूपा जी का विचार, परम गुरु जी का विचार, हमारे गुरुदेव का विचार और हमारे सभी हमारे महाराज माधव महाराज जी, तीर्थ महाराज जी, भर महाराज जी, श्रीधर महाराज जी और ब्रह्मचारी लोगों के विचार है उसमें। गुरु वंदना है तो छोटी सी ग्रंथ पर आपके जीवन को बदलने वाली है। हम मल्लिकार्जुन प्रभु और बाहर में खड़े सुमन प्रभु जी जरूर जरूर लेके जाए। पर अभी आरती होगी, आरती के बाद सबको प्रसाद, जो मोहन नगर से आए हैं, जो हापुड़ से आए, जो दूर दूर से आए हैं, वो प्रसाद पहले पाएंगे, बाहर पापा के जा सकते हैं, और जो नाड़ा के वो लोग धीरे धीरे पाएंगे ज्यादा। और एक और प्रार्थना है, कोई गेट में खड़ा नहीं होगा, प्रसाद पाए और धीरे धीरे निकलते रहे, क्योंकि यहाँ अभी फोन आया था वहां पे पुलिस का फोन आया था कि भाई आप लोग इतनी गैदरिंग क्यों कर रहे, भीड़ क्यों कर रहे हो। तो मेरी प्रार्थना है गेट में कोई खड़ा ना हो, बस प्रसाद पाते पाते निकलते रहे। अभी हमारा जन्माष्टमी प्रोग्राम भी होना है, आगे भी प्रोग्राम भी होने, हम सोच रहे ज्यादा भी अवधार ना आए। तो अभी हम वेद व्यास जी के चरणों में यहीं पर आश्रय लेते हैं, कहते हैं प्रभु जो आपका जो ग्रंथों का सारा भगवान का प्रेम, उसके कभी ना कभी हम अधिकारी बने और कभी गुरु पूजा करने के हम अधिकारी बन के सेवा कर सकते हैं। महाराज जी की अभी पूजा होगी, जैसे गुरु पूजा होगी ना, अभी तो धक्का मुक्की मत करना, एक एक करके आओ, निकलते जाओ, ऐसे आओ, ऐसे प्रसाद को आते जाओ, एकांत प्रसाद ऐसे देखते जाएंगे, हो चुका है प्रसाद, ऐसे निकले, महाराज जी को माला पहनाना है, फूल पहनाना है या कुछ पानी वहां भी देते, एक एक करके निकलते रहे। राहुल प्रभु और मनमोहन प्रभु और ये क्या नाम है, मिताई, मिताई, हाँ, प्रेम से किसी को धक्का नहीं देना है, लोगों को निकालते रहना है, ठीक करके, या भीड़ नहीं रहना है, फिर खाली कर देना। और हम लोग को क्षमा करना, हम लोग बैठ के जाना चाहते थे बड़ा प्रेम से, पर वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था होगी, लोग ज्यादा आ गए तो आप लोग खड़े खड़े प्रसाद पाते निकलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण देवाना बैठ गया जो की जय सनातन गोस्वामी पाद की कृपा प्रभु की कृपा भक्ति प्रधान सुंदर महाराज की परंपरा की अनुपान गौर सुंदर हरे कृष्ण अनुपान गंगा मैं चले जाऊँ मैं पास घर हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण
Thank you.
Thank you.
हरि बोल। सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, एक माता जी का हरि नाम और मोबाइल फोन गिर गया है, अगर किसी को मिले तो यहाँ पे आकर दे सकता है। अगर किसी को भी एक मोबाइल फोन और हरि नाम की माला मिले तो यहाँ पे आके दे सकता है। एक माता जी का मोबाइल और फोन गिर गया है। मिल गया। सबसे पहले कब जाए उन्होंने होता भाई भाई करे।